गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए ऑपरेशन सर्च माई सेल्फ डॉक्टर नवेद अख्तर एसोसिएट प्रोफेसर एसडी कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो आज की जो वीडियो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम एक बार फास्टली रिवाइज करते हैं पिछली वाली। जो भी हमने पढ़ा था देखते हैं। जी, सबसे पहले हमने ये हमारा सिलेबस था, फिर हमने टॉपिक्स पढ़े थे, ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, जिनमें हमने सबसे पहला इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, ऑपरेशन, मीनिंग, डेफिनेशन तक हम पढ़ चुके हैं। आज जो हमें स्टार्ट करना है वो करना है डेफिनेशन के बाद इम्पोर्टेंस ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च। क्या करना है हमें? इम्पोर्टेंस ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। तो इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था, क्या क्या इंट्रोडक्शन होता है हमारा, उसके टूल्स पढ़े थे हमने, प्राइमरी टूल्स। उसके बाद हिस्ट्री पढ़ी थी इसकी, चार्ल्स बेबर्स जो हैं वो फादर कहलाते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ऑपरेशन रिसर्च स्टार्ट हुआ था इंडिया में, 1957 में स्टार्ट हुआ था और हम उसके 1959 में मेंबर बने थे। जो हेड क्वार्टर है वो कोलकाता में है, जर्नल ऑफ सर्च के नाम से है और ग्रेजुएट डिप्लोमा चलता है। मीनिंग हमने पढ़े थे इसके, क्या क्या मीनिंग्स हैं। उसके बाद हमने डेफिनेशन देखी थी, चार डेफिनेशन थी। सबसे पहले मॉस एंड किम्बेल की थी, उसके बाद ऑथर क्लर्क की थी, H.M. वैगनर की थी और T.L. साटे की थी। तो ये चार डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई थी। तो इन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जो हमारी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार आप देखिए। मॉस एंड कैम्बेल, आर्थर क्लार्क, H.M. वैगनर और T.L. साटे, ये हमारे चार डेफिनेशन थी। सबसे अच्छी जो लास्ट के तीन डेफिनेशन हैं, इट इज़ एन एक्ट ऑफ विनिंग वॉर विदाउट एक्चुअली फाइटिंग, इट इज़ अ साइंटिफिक अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, इट इज़ ए आर्ट ऑफ giving bad answers to problem which otherwise have worse answer. Next जो वीडियो थी, next हमें जो पढ़ना है वो है importance of operation research. Operation research का importance हमें पढ़ना है। तो क्या क्या importance है operation research की? सबसे in डिफेंस ऑपरेशंस, यानी कि डिफेंस, ये जो होता है सबसे पहले डिफेंस से रिलेटेड होता है, डिफेंस में बहुत यूज़ किया जाता है इसका, इसकी इम्पोर्टेंस। डिफेंस मीन्स आर्मी, है ना, डिफेंस मीन्स आर्मी, आर्मी में इसका बहुत यूज़ होता है। आर्मी में रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग किस तरह से हमें वार विन करनी है, ये सब हमें आर्मी में ही देखा जाता है। जो डिफेंस के लिए ऑपरेशन रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंस है। डिफेंस मीन्स आर्मी, चाहे आर्मी किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे उसे थल सेना, जल सेना, वायु सेना, कुछ भी, सभी के लिए ऑपरेशन रिसर्च कंपलसरी है, उसकी इंपॉर्टेंस है। बिना ऑपरेशन रिसर्च के हम डिफेंस नहीं में यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के लिए भी इम्पोर्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडस्ट्री से ही हमें पता चलता है कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं और उस इंडस्ट्री को किस तरह से हमें मैक्सिमम प्रॉफिट तक लेके जाना है। तो क्या, किस तरह से हम अपनी इंडस्ट्री को मैक्सिमम आउटपुट और मैक्सिमम प्रॉफिट पर ले जाएं, जिससे आउटपुट ज़्यादा हो और रॉ मटेरियल या एक्सपेंसेस कम से कम हो, ये सब हम इंडस्ट्री में के लिए क्यों ज़रूरी है, ये क्यों, ताकि हम उसमें मैक्सिमम आउटपुट ले सके, मैक्सिमम प्रॉफिट ले सके और मिनिमम कॉस्ट पर ले सके। तो इंडस्ट्री के लिए क्यों जरूरी है? तो पहला है डिफेंस,
डिफेंस क्यों? डिफेंस जल थल और वायु तीनों सेनाओं में ऑपरेशंस में, क्योंकि उनके पास बहुत सी बार युद्ध में क्या होता है वार में कि हमारे पास रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, कम रिसोर्सेज से ही हमें वार को विन करना होता है, युद्ध को जीतना है, युद्ध की में विजय प्राप्त करनी है। तो क्या करेंगे हम ऑपरेशन रिसर्च के थ्रू उसको एप्लीकेबल करके जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको पूरा यूज़ करना है जिससे कि हम अपनी विन कर सकें। नेक्स्ट है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में भी क्योंकि रिसोर्सेज कम होते हैं तो कम से कम कॉस्ट पर हम कैसे अधिक मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं यह हमें इंडस्ट्री में देखना होता है। नेक्स्ट है इन प्लानिंग। प्लानिंग हमें करनी होती है। प्लानिंग मीन्स कि किस तरह से हमें प्लानिंग करनी है, अपना बिजनेस किस तरह से प्लान करना है, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर रखना है, क्या हमें बेचना है, कैसे सेल करना है, एक्सपेंसेस हमें कितने कम करने हैं, एक्सपेंसेस हमें कितने ज़्यादा करने हैं, ये सब हमें इस सब की प्लानिंग के लिए भी ऑपरेशन रिसर्च ज़रूरी है। तो इन सब में हम ऑपरेशन रिसर्च को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए भी ऑपरेशन रिसर्च बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देख सकते हैं ऑपरेशन रिसर्च एग्रीकल्चर के लिए क्यों इम्पोर्टेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है कि एग्रीकल्चर में कब हमें कम से कम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम उपज प्राप्त कर सकें, मैक्सिमम उपज हमें मिले कम से कम कॉस्ट में, और हमें उसमें सीजन्स भी देखने हैं, हमें एटमोसफेयर देखना है, ये सब देखते हुए हमें कैसे मैक्सिमम उपज प्राप्त कर सकें, इसलिए इसका यूज़ हमें ऑपरेशन रिसर्च का यूज़ करने से हमें मिल जाता है। नेक्स्ट है इन मॉडर्न बिजनेस मैनेजमेंट। तो ये हमारे पांच पॉइंट हैं, ठीक है। पहला था इन डिफेंस ऑपरेशंस, इन इंडस्ट्री, इन प्लानिंग, इन एग्रीकल्चर, और इन लास्ट में इन मॉडर्न बिजनेस मैनेजमेंट। इन मॉडर्न बिजनेस मैनेजमेंट, तो इस बिजनेस मैनेजमेंट में क्या क्या, यानी कि बिजनेस को कैसे हमें मैनेज करना है, उसका मैनेजमेंट कैसा होगा, मॉडर्न बिजनेस मैनेजमेंट में ऑपरेशन रिसर्च कैसे यूजफुल होगा, कैसे उसकी इंपॉर्टेंस होगी। सबसे पहले है फाइनेंशियल। सबसे पहले क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल, ये स्पेलिंग ज़रा सही कर लीजिएगा, ये क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी ऑपरेशन रिसर्च से ही चलता है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा, किस तरह से हम मैक्सिमम आउटपुट ले सकें, मैक्सिमम यूज़ कर सकें अपनी फाइनेंस का, अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू, ये ऑपरेशन रिसर्च के लिए इसमें इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, कि कैसे हमारा प्रोडक्शन होना है, तो प्रोडक्शन किस तरह से हमें बढ़ाना है कम से कम कॉस्ट में, तो ये हमें प्रोडक्शन मैनेजमेंट में ज़रूरी हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्केटिंग। मार्केटिंग में भी ऑपरेशन रिसर्च की इम्पोर्टेंस है। मार्केटिंग के लिए ऑपरेशन रिसर्च की इम्पोर्टेंस है। जो भी हम मार्केटिंग में जाएंगे कि कहाँ कहाँ हमें मार्केटिंग करनी है, ऐसा नहीं जहाँ हमारा यूज़ नहीं है, जहाँ हमारा कंज्यूमर नहीं है, जहाँ हमारा कस्टमर नहीं है, वहाँ भी हम मार्केटिंग करें, तो इसलिए क्या मार्केटिंग के लिए पूरी स्ट्रेटेजी बनानी होती है। तो ऑपरेशन रिसर्च में मार्केटिंग की पूरी स्ट्रेटेजी बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो ऑपरेशन रिसर्च के थ्रू हमारा वहाँ इम्पोर्टेंस फुलफिल हो जाती है। नेक्स्ट है पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट का मतलब आदमी अपना व्यक्तिगत रूप से मैनेजमेंट, उसे कब उठना है, कब खोना, उस पर कितना रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज को कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट है, वो अपना पर्सनल मैनेजमेंट ऑपरेशन रिसर्च के थ्रू कैसे वो अपने गोल को प्राप्त कर सकता है, कैसे एग्जाम में क्लियर कर सकता है, एग्जाम क्रैक कर सकता है, तो ये उसका अपना पर्सनल मैनेजमेंट भी ऑपरेशन रिसर्च से सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ वेरियस लिमिटेड रिसोर्सेज। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका हम ऑप्टिमम एलोकेशन करें और लिमिटेड रिसोर्सेज से एलोकेशन करें। ऑप्टिमम एलोकेशन फॉर वेरियस लिमिटेड रिसोर्सेज, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ कर लें, कैसे उनका एलोकेशन करें, कैसे उनका बंटवारा करें अपने रिसोर्सेज का, जिससे कि हम
मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकें। अगर तो ये सब हमारे इम्पोर्टेंस है, क्या क्या हो गए एक बार दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले है डिफेंस ऑपरेशन, यानी कि डिफेंस के लिए, इंडस्ट्री के लिए, प्लानिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, और लास्ट में मॉडर्न बिजनेस मैनेजमेंट। तो मॉडर्न बिजनेस मैनेजमेंट के में हमारे 5 पॉइंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट एंड ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ वेरियस लिमिटेड रिसोर्सेज। तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ आपके लिए इतना ही, और बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।